वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपका दोस्त शारजा। और ये आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारत नज़र आ रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। तो टुडे इज़ द फर्स्ट डिनर मील इन शारजा। और बस दोपहर गुजर गई, दिन गुजर गया जैसे जैसे करके। कल रात में यहाँ हम आए थे, पहला व्लॉग आपने देखा। अब दूसरा सीन ये है कि मैं शारजा में भी घूम रहा था, घूमते 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 तो मैंने सोचा कि यार एज अ मुस्लिम वी शुड कंसिडर द हलाल रिस्क, यू नो। तो यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस के पीपल्स हैं, तो उनके अलग अलग रेस्टोरेंट्स भी हैं और अलग अलग चीज़ें भी हैं। तो राइट नाउ आई फाउंड दैट रेस्टोरेंट भारत कुछ समथिंग। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियंस लाइक पीपल आर वेरी गुड। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव समथिंग यूनिक। तो अभी स्टार्ट है और बहुत से लोगों ने पूछा है इसमें कि यार किस तरह से एक्सपेंसेस वगैरह क्या बेयर करने हैं, क्या किस तरह से नहीं, खाने का क्या निज़ाम है, क्या चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें तो अभी मैं खाना दिखाता हूँ अंदर के मैं क्या खाने जा रहा हूँ। और सेकंड चीज़ ये कि बहुत अच्छा है, बहुत सुकून, बहुत शांति वाला माहौल है। यू कैन सी दिस के ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें। और मैं यहाँ रोड पर खड़े होकर जो है ना वो अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग लाइक। तो ये जो शारजा जर्नी होने वाली है, तो आई होप कि मैं बहुत इसको लॉन्ग लेके चलूं और डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं। तो अभी जो स्पाइसी फ्लेवर जो रेस्टोरेंट, स्पाइसी एंड फ्लेवर रेस्टोरेंट जो है वो, उसके ऊपर हम आ रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट मील है, तो अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद जो है वो देखते हैं कि हम क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं। तो आई थिंक यू कैन सो राइट नाउ हियर। अजमल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ही रेस्टोरेंट है। तो अब यहाँ पर खाना खाने आए हम, यहाँ पर फिल्म भी चल रही है आप, लेकिन ये साउथ इंडियन तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू नो। तो साउथ इंडियन फिल्म में आप ऑर्डर्स कर लें पहले। ऑर्डर क्या है पहले ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या करना है हमको। और क्या एक क्वेश्चन बार बार सबका आ रहा है ना, किस तरह से क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है हमें, तो वो हम ऑर्डर करते हैं। तो हियर इज़ द मेन्यू बुक। और ये ब्रेकफास्ट की लिस्ट है पूरी, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ब्रेकफास्ट के उन्होंने रेट्स वगैरह सब चीज़ें सामने लिखी हुई हैं। उसके बाद ये कुछ लंच स्पेशल है, लंच स्पेशल की कुछ डिशेज़ हैं और फिर इंडियन डिशेज़ हैं कुछ समथिंग। तो वी कैन ऑर्डर समथिंग कि हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी वीडियो को रोक के देख लेना आप लोग, उसको भी ऑर्डर देखना। तो ये इनकी पूरी लिस्ट है और ये इन्होंने एक सैलड वगैरह चीज़ें वगैरह मुझे सर्व की हैं अभी ऑलरेडी। तो अब देखते हैं क्या है, तो हम कुछ मंगवाएंगे मुझे कुछ आज लेंगे। तो तुम लोग को सस्ता नाश्ता चाहिए ना, ठीक है देखेंगे, ठीक है सस्ते से सस्ता है। तो मैंने प्लान किया है कि आज मैं कुछ कुछ अच्छा सा मंगवा लूँ, कोई एग रोस्ट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ मंगवाऊँ। और उनके पास ये एग रोस्ट है और ये हम उसको ऑर्डर करते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक मील इज़ देयर, डिनर जो है वो मेरा आ चुका है। और ये है एग रोस्ट कुछ समथिंग ऐसे। और अब इस एग रोस्ट किस तरह से खाते हैं ये तो मैं नहीं दिखाने वाला, बट डिनर इज़ देयर। अब कुछ बातें बताऊँ आपको और मज़ीद। एग रोस्ट मैंने मंगवाया है, आपने देखा पीछे कि एग रोस्ट किस तरीके से इन्होंने ला के दिया। बहुत अच्छी सर्विंग है और प्राइस भी नॉर्मल है। कुछ अराउंड कुछ 6 धर्म का जो है ना एग रोस्ट मिला है और 1 धर्म की रोटी होती है आई थिंक। तो टोटल 7 धर्म का जो है ना वो बजट, अभी नहीं 8 धर्म का कुछ बजट बनेगा चाय वाय पियेंगे तो 10 धर्म में ईजिली मैं डिनर कर सकता हूँ। और दैट्स इट, सिंपल। और किस तरह खाते हैं मतलब, ये अभी साउथ इंडियन खाना भी खाना मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इजीली खा सकते हैं। मैं आपको खा के दिखाता हूँ साउथ इंडियन खाना किस तरह से खाते हैं और अच्छा ही रहेगा यार आज का डिनर, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा के मज़ा आएगा मेन्यू करने में। चलते हैं डिनर करने के, दिखाता हूँ डिनर खाते कैसे। दिस डिश नेम इज़ एग रोस्ट और ये साउथ इंडियन डिश की तरह इन्होंने बनाई है। और इसमें ये कुछ एग्स हैं जिनको रोस्ट करके दिया है टमाटर की चटनी वगैरह में। तो यार दिस इज़ वेरी डिलीशियस, तो बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा मैं अपना टाइमलेस रोक कर तो आपको दिखा दूँगी किस तरह से मैंने सर्व किया है। तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है और इतने पैसों में और क्या चाहिए। तो चलते हैं, तो इख्तिताम करते हैं, ख़त्म करते हैं इस खाने को, फिर आपको इसके बाद चाय दिखाते हैं। राइट नाउ इज़ 11:37 हेयर इन शारजा एंड आई हैव डन डिनर। जो मैंने एग रोस्ट मंगवाया था वो मैंने खा लिया है पूरी तरीके से, बहुत अच्छा रहा, बहुत सही था। और टोटल मेरा जो बिल बना वो अराउंड कुछ 8 to 10 dirhams बना, जिसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड थी। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ
ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह हैं, कुछ और भी बहुत सारी मालूमात है जो देनी है। कल मैंने सोचा कि कल मैं जाऊंगा, 1 to 10 शॉप्स होती हैं या 2 to 20 कुछ समथिंग, 1 to 20 कुछ समथिंग, इस तरह से शॉप्स हैं वो रोड के थोड़ा उस पार हैं, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ का विज़िट करूँ। तो खाने के हिसाब से आज का व्लॉग जो मैंने सोचा था बनाने के लिए वो ये था कि मैं डिनर पे घर से निकलता हूँ कि अगर डिनर करने के लिए तो मुझे यहाँ कितना एक्सपेंस, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि भाई कितना एक्सपेंस पड़ रहा है शारजा में। तो बस अभी मैंने बता दिया, खाना भी खा के दिखा दिया, सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं, तो इट इज़ नॉट टू मच एक्सपेंसिव, बट एज़ कम्पेयर टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज़ तो हर किसी का अपना अपना है। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ से, वहाँ अगर मैं कहूँ तो एक धर्म इस वक्त नाउ करंटली 61 कुछ समथिंग का चल रहा है, लेकिन सेलिंग और बाइंग के अंदर एक अलग चक्कर है। बाइंग और सेलिंग के टाइम पे आपको कुछ वो 68 कुछ समथिंग, तो जैसे मैंने परचेज़ किया था आते वक्त, तो 68 रुपीज़ यानी 68 PKR 21 AED। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं देता रहूँगा, तो AED में कन्वर्ट करता हूँ अगर अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं मज़ीद। और अभी नहीं पता है करेंसी की कि जो डी वैल्यूड, मेरा यार थक गया है, और वो एक तो ये बड़ा सेल्फ स्टिक में लेकर आना भूल गया हूँ क्योंकि वो गिम्बल्स वगैरह घर में ही पड़े थे। तो अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप 12 बजे स्ट्रीट्स को देख लो, सारी चीज़ें देख लो, और एवरीथिंग इज मतलब यूनिक है यार, पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें यूनिक हैं, गाड़ियाँ, टाइमिंग, शॉप्स, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आई नॉट कमेंट्स एज वेल। तो बस ऐसा ही है, लोग सुकून में हैं, शांतियाँ हैं, गाड़ियाँ आराम से चल रही हैं, और सब कुछ अंडर कंट्रोल, सब कुछ अंडर कंट्रोल। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी देयर, और मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तो हैं हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए मेरा बहुत साथ दिया, मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो बस शारजा का जो है ना आज डिनर व्लॉग हो गया है, कल सुबह मैं कोशिश करूँगा कि मैं ब्रेकफास्ट का भी बना के दिखाऊँ, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं वो ज़रूर करूँगा। तो अब मेरी बिल्डिंग आ गई है ऑलमोस्ट करीब, तो अपार्टमेंट तक चलने तक का व्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, क्योंकि मैं अभी मुसलसल वो वाली व्लॉगिंग तो नहीं करना चाह रहा हूँ कि जो है ना वो लोग बस करें, लेकिन मेरा शारजा चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे मेरे दिल में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब मैं नहीं था, तो मेरे दिल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अब वो क्वेश्चंस मेरे क्लियर हो रहे हैं, और मैं फिज़िकली और आई एम सोलो, नोबडी इज़ देयर विद मी और आई एम सोलो। और जब भी एक अच्छी सी प्रिकॉशंस बताऊँ वो ये है कि जब भी आप कहीं भी अगर निकलते हो कहीं भी, और जैसे कि मैं इस वक्त सोलो घूम रहा हूँ, तो मैं मिस भी हो सकता हूँ मैं, तो अब क्या करो, एक कोई ना कोई ऐसी जो निशानी लगा के निकलो। तो अगर आप ट्रैवलर हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर आप ट्रैवलर नहीं हो तो फिर आपको बहुत मसले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं, नए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस हो जाते हैं। तो मैंने जो अपना, जैसे मैं घूमता रहता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बस दो निशानियाँ मैंने लगाई हमेशा अपने घर पहुँचने के लिए। लाइक एक आपको अगर वो मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा हो रॉयल्स, वो ये दो ऐसी लोकेशंस मैंने की हैं कि मैं इन दोनों के बिटवीन द जो भी मेरे पास होटल मिलेगा, कोई रेस्टोरेंट मिलता तो मैं उसमें खाना खा लूँ। और फिर क्या है कि अब मैं जिस लोकेशन पर हूँ मुझे जाना है, थोड़ी सी एहतियात है, फ़ौरन चीज़ें नहीं करनी है, फ़ौरन अपने आप को जाना, मतलब स्मार्ट नहीं बनाना है यहाँ पर। तो अब मैं थोड़ा सा राउंड अप होकर जाऊँगा, तो राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट रीच टू माई लोकेशन, और यहाँ पर राइडर्स जो है ना, मैं एज अ राइडर मैं आपको एक बताऊँ, यहाँ पर जो राइडर है ना वो भी फुल सेफ्टी में है, सेफ्टी गियर्स लाइक नी पैड्स, हेलमेट, दीज गाइज आर नॉट लाइक, ये अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये पागल बेवकूफ़ नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट आपको बार बार बोलती है ना कि यार आपको अपने चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, और आपको डंडा दे देकर बोलना पड़ता है कि भाई हेलमेट पहनो और ये करो ये सारी चीज़ें करो, डंडा दे देकर बोलना पड़ता है। बट स्टेट से कानून और ऐसे होने चाहिए कि राइडर अगर एक चीज़ डिलीवर भी कर रहा है ना, तो वो डिलीवर करने में भी वो क्या कर रहा है कि पूरी चीज़ें पहनकर सारी चीज़ें कर रहा है। हमारे जब तक ये वाले डंडे नहीं होंगे तब तक हमारे जो नॉर्मल लोग हैं और लाइसेंस, जैसे कि मैंने कोशिश की, मुझे एक बाइक, मैं आपको कल एक रॉयल एनफील्ड दिखाऊंगा ज़रूर, तो मुझे मौका भी मिला, तो उसके बावजूद भी मैंने कोशिश नहीं की यार कि मैं यहाँ पर टेस्ट राइड लूँ,
कोई भी चीज़ करूँ, तो मुझे मौका भी मिला तब भी मैंने नहीं कोशिश की कि भाई मैं टेस्ट राइड लूँ, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बर्दाश्त नहीं होंगे ये बता दूँ पहले ही। करना है तो आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून और डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन। शारजा घूमना है ना मेरे साथ तो भाई सब्सक्राइब कर लो, अगर शारजा मेरे साथ घूमना है। बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ शारजा के बारे में ऑलमोस्ट, और इसके बाद और जर्नी भी नसीब होंगी तो वो भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।